बीजापुर जिले से बड़ी खबर आ रही है कि जिले में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों के बाद अब राज्य युवा आयोग के सदस्य और बीजापुर जिला कांग्रेस के कदावर नेता अजय सिंह भी मुखर हुए। अजय ने भ्रष्टाचार समेत कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक को जिम्मेदार बताया है। उनका आरोप है कि निर्माण के कार्यों में निविदा में नियमों की अवहेलना से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर जब भी वे अफसरों से मुखावित होते हैं तो अफसर उनसे यही कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है विधायक के दबाव में हो रहा है। यह थी सभी तक न्यूज सच की आवाज बीजापुर से संवाददाता सिरोजेश शर्मा। ये हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता, युवा आयोग के सदस्य हैं कांग्रेस में प्रदेश में, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सी भ्रष्टाचार की जो बातें हैं जो वो आज सभी तक न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं, और हैंडपम्प हो या जहाँ जहाँ जैसे भी किसी प्रकार का बोर खनन से लेकर जो बातें आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी भैया बताइए। जिले में लगातार विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, इसकी जानकारी मेरे को विगत साल भर से मिलते आ रहा था। विभिन्न पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसकी जानकारी मुझ तक पहुंच रही थी। मैंने इस संबंध में कई बार हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के विधायक से मिलकर कई बार मैं इस बारे में उनको जानकारी दिया, माननीय कलेक्टर साहब को भी लिखित में शिकायत किया, उसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो कल मुझे मजबूरन जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से इस जिले में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात रखा और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। भैया एक और चीज़ जानना था कि जो ये बोर खनन में जो आप सीधा सीधा बता रहे हैं कि इसमें कमीशन खोरी का जो काम हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, तत्कालीन कलेक्टर के डी कुंजाम साहब के समय का ये मामला है। जिला प्रशासन के स्वीकृति से 3 गुना अधिक बोर बिना जिला प्रशासन को सूचना दिए कांग्रेस के विधायक माननीय विक्रम साहब मंडावी जी ने नॉन ऑफिशियल तरीके से बोर का खनन करवाया। जब भुगतान की बारी आई तो जिला प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब जाकर आनंद फानन में विधायक की नज़र 14वें और 15वें वित्त की राशि जो ग्राम पंचायतों को और जनपद पंचायतों को वहाँ के विकास के लिए मिला करता था, ठीक है, उससे भी भुगतान किया जा सकता था, लेकिन यह काम यदि ग्राम पंचायत के माध्यम से होता तो बात अलग था। आपने बिना ग्राम पंचायतों को विश्वास में लिए काम करवा दिया और बाद में जब भुगतान की बारी आई तो आपने ग्राम पंचायत पर मर दिया। और बोर का जो एक मापदंड होता है उसके मापदंड के अनुरूप आज भी बोर नहीं हुआ है, जिससे आज भी लोग प्यासे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो उस बोर का क्या औचित्य जिसके लोगों जो लोगों का जो प्यास ना बुझा सके और जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया हो। हम जानना चाहेंगे कि जो बोर खनन का जो मामला है गहराई पे, कहीं पे कहते हैं गहराई पूर्ण रूप से नहीं किया गया जिसमें पानी की मात्रा कम है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही कहा, मापदंड के अनुरूप बोर हुआ ही नहीं। जो 350 फीट जो गहराई होना चाहिए था, कमीशन खोरी का भेंट चढ़ गया। 60, 70, 80, 100, 150 फीट के अंतराल में बोर हुआ, कमीशन खोरी भारी भरकम मात्रा में हुआ, आज लोग प्यासे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। भैया एक जानना था आपसे कि ये जो जानकारी अभी आपने दिया है प्रेस के माध्यम से, ये माननीय मुख्यमंत्री तक के यह जानकारी पहुंच रहा होगा अभी वर्तमान में, और उनसे आप क्या चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मैं लगातार रायपुर में अभी लगातार 4 दिनों से रहा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय के लिए काफ़ी मशक्क़त किया, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं इन सारी बातों को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता था, लेकिन मजबूरी है कि मैंने नहीं रख पाया। मैं इसके लिए पार्टी के और वो पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ताओं से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आज प्रेस के माध्यम से मुझे मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने के लिए प्रेस का सहारा लेना पड़ा, और प्रेस के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जिले में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसकी एक जाँच कमेटी बनाई जाए और नियमता जाँच की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। भैया एक बात और, जो अभी पानी टैंकर का मामला है, पानी टैंकर के विषय में आपने बताया है कि 1.5 लाख का उसका वर्तमान का जो राशि है 1.5 लाख के आसपास है, बजट है, परंतु उसे 2.5 लाख रुपए बाद में कर दिया जाता है और उसको फिर उस प्रकार से पैसे का आहरण किया जाता है, उसके लिए क्या नहीं? बजट 1.5 लाख और 2.5 लाख का नहीं है जी, बजट
बस्तर प्राधिकरण के मत से 2,25,000 रुपये प्रति टैंकर के नाम से अलॉटमेंट हुआ है। जनपद पंचायत इसकी कार्य एजेंसी है। जनपद पंचायत को नियमता कोटेशन बुलाना था, उन्होंने कोटेशन का पालन नहीं किया। जब मैंने जनपद सीओ से पूछा तो उन्होंने कहीं ना कहीं विधायक जी का नाम लिया कि उनका उन्होंने ही मंगाया है और सब कुछ मंगाने के बाद प्रक्रिया का पालन करने के लिए हमको कहा गया है। लेकिन जब मैंने उस टैंकर का मार्केट रेट पता किया तो 1,25,000 रुपया है और कुछ कंपनी में 90,000 तक के टैंकर है। अधिकतम 1,25,000 का एक टैंकर है, लेकिन 2,25,000 रुपये का भुगतान कर पर टैंकर में 1,00,000 रुपये का भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया है। अच्छा भैया, इसमें कितने टैंकर ऐसे वितरण किए गए जिसमें कि आपको लगता है भारी भरकम? बीजापुर जिले में जितने भी पानी टैंकर का वितरण किया गया पर टैंकर में 1,00,000 रुपये का कमीशन खोर किया गया। या एक बात और हमको और जानना है आपसे कि आप वर्तमान में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता में से शुमार है और आपने महेंद्र कर्मा जी के साथ काम किया है, आपने मानकुराम सोडी जी के साथ भी आप काम किए हैं और आप हर एक क्षेत्र में आप जनता के बीच में गए भी हैं। अब भैया अचानक जैसे ये जो भ्रष्टाचार की जो रीति नीति आपको समझ में आया है, इसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, मैं माननीय महेंद्र कर्मा जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मैं इनका चेला हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी का मैं चेला हूँ। इन्हीं से ही मैंने सीखा है कि जोर जम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कभी किसी से झुकना नहीं, गलत को सहना नहीं, सच को उजागर करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं यही दो गुरु से सीखा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी से और राजनीतिक गुरु जो मेरे शहीद महेंद्र कर्मा जी है, इनसे जो मुझे सीख मिली है। राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की बात इन लोग किया करते थे और उनका मैं स्मरण करता हूँ। मैंने कभी राजनीतिक लाभ और नुकसान के बारे में नहीं सोचा है। मैंने जो लगा कि जो मुझे उचित लगा, मैंने गलत को कभी बर्दाश्त होता देखा नहीं। जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। 40-50 लाख का मकान मुझे तोड़वाना पड़ा, मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन मैं घबराया नहीं। कांग्रेस के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस समय भी आवाज़ बुलंद किया था। आज हमारी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करेंगे। गलत के खिलाफ आज भी मेरा आवाज़ बुलंद रहे। जितना भी अभी वर्तमान में जो कार्य क्रियाकलाप हुए हैं, ये सब अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, आपकी स्वयं की सरकार है, तो आप इसको और कहाँ तक के ले जाना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात माननीय भूपेश बघेल जी के पास पहुँचाना चाहता हूँ और मैं माननीय भूपेश बघेल से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि जो मुझे प्रेस के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुँचाना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने जितनी बार भी मिला माननीय सीएम साहब से, मिनट डेढ़ मिनट का समय होता है और इतने कम समय में मैं सारे विस्तार से उनको ये बात नहीं बता सकता था, इसलिए प्रेस के माध्यम से बात सीएम साहब तक पहुँचे और मैं उनसे चाहूँगा कि जाँच कमेटी बनाए और इसकी जाँच करें और संबंधित जो भी इस पर दोषी पाए जाते हैं उन पर उचित कार्रवाई। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है माननीय अजय सिंह जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता में से शुमार है, जो बता रहे थे कि खुल्ला भ्रष्टाचार, खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार जो अभी वर्तमान में प्रशासन में रहते हुए ये देख रहे हैं हो रहा है, उसके लिए इन्होंने अपनी बात को प्रेस के माध्यम से रखना चाहा है और जहाँ तक से भी हो सके उस पर उचित कार्रवाई हो और जो दोषी है उस पर कड़ा से कड़ा फैसला लेते हुए सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, यह सभी तरफ न्यूज़ सच की आवाज़, सिरोज विश्वकर्मा साथ, अरुण कैमरामैन आज तक।